और आज मध्य प्रदेश में कोई भी भ्रूण हत्या नहीं हो रही है। हो रही है क्या बताइए? अब बेटियों का सम्मान बढ़ रहा है, बेटी लाडली लक्ष्मी बन रही है। आपको ताज्जुब होगा, पूरे मध्य प्रदेश में 26 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बन चुकी हैं। कितनी? 26 लाख। और वो बेटियां हमारी पांचवा पास करती हैं, सरकार के खजाने से बेटियों को 2500 रुपया मिलता है आगे की पढ़ाई के लिए, और आठवा पास करती हैं तो उन बेटियों को 5000 रुपये मिलते हैं, और वो बेटियां हमारी 11वां पास करती हैं तो उनको आगे की पढ़ाई के लिए 8000 रुपये मिलते हैं, और जब बेटी शादी के लायक हो जाएगी तो उस बेटी को बैंक से, जो बैंक में पैसा जमा मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उसका 1,18,000 रुपया मिलेगा। किसी भी वृद्ध माता पिता को बेटी की शादी करने की चिंता नहीं सताएगी। बंधुओं, बेटियों का सम्मान इस सरकार ने किया है, महिलाओं का सम्मान इस सरकार ने किया है। कांग्रेस के सरकार के समय महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, महिलाओं का सम्मान हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है उनकी सरकार में हुआ है। बताइए, स्थानीय चुनाव में बराबर का अधिकार दिया है। अगर 1000 आदमी पुरुष सरपंच बनेंगे तो मेरी माताएं बहने भी 1000 सरपंच बनेंगे। अगर 1000 पार्षद पुरुष बनेंगे तो माताएं बहने भी 1000 पार्षद बनेंगे। बोलो, दिया कि नहीं दिया ये अधिकार? जनपद अध्यक्ष बनने का अधिकार दिया है, मंडी अध्यक्ष बनने का अधिकार दिया है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का अधिकार दिया है, नगर पालिका पार्षद बनने का अधिकार दिया है, नगर निगम में महापौर बनने का अधिकार दिया है। बंधुओं, 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो नमक देने के साथ साथ हमारे आदिवासी भाई कुपोषित ना हो, उनके बच्चे कमजोर नहीं रहे, इसलिए आदिवासी भाई बहन भी दोनों समय अपने भोजन के साथ सब्जी बनाए, दूध लाए, उसके लिए ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिया, 1000 रुपया। बोलो माता बहनों, आ रहा है आपके खाते में? आ रहा है 1000 रुपया? आ रहा है ना? आप सब सुखी हो ना? सब प्रसन्न हो ना? अच्छा, ईमानदारी से संकल्प लो हाथ खड़ा करके कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाओगे ना, दोनों हाथ ऐसे मुक्ति बांध के। बंधुओं, वास्तव में इस बार में जब कोलारा क्षेत्र में जा रहा हूं, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी इस बार जो समाज कभी हमें वोट देती थी लेकिन बहुत कम मात्रा में, इस बार हमारे हरिजन भाई भी, बोलो ईमानदारी से कहो, जो हरिजन भाई बहुत कम वोट हमको देते थे इस बार उनने भी मन बनाया। इस बार आदिवासी समाज भी पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। बंधुओं, यह आने वाला चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये ऐतिहासिक चुनाव है, और इस चुनाव पर केवल कोलारस या शिवपुरी जिले की जनता की नजर नहीं है या मध्य प्रदेश की जनता की नजर नहीं है, इस चुनाव पर हिंदुस्तान की जनता की नजर है। एक एक वोट का ध्यान रखना है, अपना भविष्य अपने हाथ से तुम्हें लिखना है। जिस पार्टी को आप वोट दोगे वो पार्टी इस देश में राज करेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ईमानदारी के साथ बताओ, क्या कांग्रेस का विधायक जीतेगा तो विकास होगा? नहीं होगा। हाथ उठा के ऐसे मना करो कि नहीं होगा।
और भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतेगा तो विकास होगा होगा। अरे जरा सब लोग बोलो होगा कि नहीं होगा भाई, पीछे भी बताओ जरा, माता बहनों आप भी बताओ होगा कि नहीं होगा। क्यों कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में दिल्ली में, इसलिए हम गलती नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और कमल का फूल खिलाए, शिवराज सिंह जी की ताकत मजबूत करें, मध्य प्रदेश की ताकत मजबूत करें और देश की ताकत मजबूत करें। बंधुओं जो मैं कह रहा था कि इस चुनाव पर नजर पूरे देश की लगी है और ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये आने वाले 2018 के आम चुनाव की इबारत लिखेगा, उसका इतिहास लिखेगा। गलती ना हो जाए, हम अपने परिवार में, अपनी समाज में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में सबको जाकर के प्रार्थना करें, निवेदन करें, अगर हमें वास्तव में कोलारस का विकास करना है, हम कोलारस को भी तेज गति से आगे ले जाना चाहते हैं, तो केवल भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। बंधु हमारे बहुत वरिष्ठ वरिष्ठ नेता यहां पधार चुके हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सबका हाथ जोड़ करके स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं।